हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं हमारे देश के पहले आदिवासी साक्षर जिले के बारे में। तो ये जिला कौन सा है, किस राज्य का है और इससे जुड़ी सारी बातें मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला हमारे मध्य प्रदेश का मंडला जिला बन गया है, जो कि कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। यानी कि देश का ऐसा पहला जिला जो कि कार्यात्मक रूप से साक्षर है, यानी कि वहाँ की जितनी भी आदिवासी जनसंख्या भी है वो पूरे तरीके से कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। इसकी जो घोषणा है वो मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री, जिनका नाम विशालू लाल सिंह है, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कार्यात्मक रूप से साक्षर कहने का क्या मतलब है। तो कार्यात्मक आदिवासी साक्षर कहने का मतलब ये है कि जहाँ के सभी अनपढ़ लोग अब अपना नाम लिख सकते हैं, इसके अलावा वो लोग गिनती लिखना व पढ़ना भी जानते हैं। यानी कि ऐसी आदिवासी जनसंख्या जो कि अब अनपढ़ नहीं है वो अब अपना नाम लिख सकते हैं, गिनती लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। तो इसीलिए इसे हम लोग कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कहते हैं। तो हम इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ऐसा जो पहला ज़िला है वो मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला बन गया है। तो इसीलिए भी ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि MBBSC में इस तरीके का सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है। क्योंकि ये पूरे देश में हमारे मध्य प्रदेश का पहला ऐसा ज़िला बना है, यानी कि और भी जहाँ पर जितनी भी आदिवासी जनसंख्या पाई जाती हैं उनमें अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का जो मंडला ज़िला है वहाँ की आदिवासी जनसंख्या भी अब पढ़ना लिखना और अपना नाम लिखना जानने लगे हैं। तो इसीलिए अब उसे साक्षर जिले के रूप में जाना जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश के मंडले ज़िले के जो कलेक्टर हैं जिनका नाम हर्षिका सिंह है, उन्होंने भी कहा है कि आज से 2 साल पहले मंडला में निरक्षरता से आज़ादी अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद यह था कि हम अपने निरक्षर साथियों को साक्षर बना सकेंगे। यानी कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ के जो कलेक्टर हैं जिनका नाम हर्षिका सिंह है, इनकी वजह से ही अगर हम लोग कहें तो ये जो क्षेत्र है वो पूरे तरीके से साक्षर जिले के रूप में उभर कर सामने आया है। यानी कि इन्होंने 2 साल पहले, यानी कि अगर हम लोग 2022 से कंपैरिजन करें तो इन्होंने 2020 में इस तरीके के एक अभियान की शुरुआत की थी कि वहाँ पर निरक्षरता से आज़ादी दिलाई जाएगी। जितने भी आदिवासी जनसंख्या है उनको निरक्षरता से आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने एक अभियान की शुरुआत की थी। तो उस अभियान का ही नतीजा है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो हर्षिका सिंह है यहाँ की कलेक्टर, उनकी ही मेहनत का, उनके ही कार्यों का ये नतीजा है कि अब मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला जो है वो देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला बन गया है। तो इनका भी नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग और बात करें, अगर 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग तो मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में साक्षरता का जो प्रतिशत था वो 68% था, लेकिन अगर हम लोग जुलाई 2020 में सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो मंडला ज़िले में लगभग 2.25 लाख व्यक्ति साक्षर नहीं थे, जिसमें जो ज़्यादातर थे वो वनांचल और आदिवासी लोग थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की जनगणना जब हुई थी 2011 उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो 68% हमें वहाँ की जो साक्षरता है वो देखने को मिलती थी। लेकिन 2020 में जो एक सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि वहाँ पर जो लगभग 2.25 लाख के करीब जो व्यक्ति हैं वो साक्षर नहीं हैं, और उनमें भी जो ज़्यादातर थे वो आदिवासी लोग हुआ करते थे या फिर ऐसे लोग जो वनों में रहते हैं। तो वहाँ के जो जिला कलेक्टर थी हर्षिका सिंह, उन्होंने जब 2020 का ये जो सर्वे देखा था उसको अगर हम लोग बात करें, उस सर्वे के बाद ही इन्होंने एक अभियान चलाया कि हम अपने ज़िलों को, अपना जो ज़िला है वहाँ के लोगों को आज़ादी या फिर हम लोग कहें निरक्षरता से आज़ादी दिला कर रहेंगे। और अभी 15 अगस्त के दिन जब हमारे कंट्री में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो उस दिन इन्होंने इसकी हम लोग कहें घोषणा की कि जो हमारे मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला है वो अब पूरे तरीके से साक्षर जिला बन गया है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
निरक्षरता से आज़ादी अभियान की शुरुआत की गई थी, यानी कि आज से 2 साल पहले जब 2020 में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तब इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस सामाजिक कार्यक्रम में, यानी कि इन्होंने जो अभियान चलाया था उसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके अलावा स्कूली शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग प्रदान किया था। तो इन सबके सहयोग से ही ये जो उपलब्धि है वो आज हमें प्राप्त हो पाई है। तो इन सब के बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके बारे में अगर हम लोग और बात करें तो इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी कि निरक्षरता से आज़ादी जो अभियान इन्होंने चलाया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सभी को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके लिए उन्होंने अक्षर तथा अंक का ज्ञान होना भी ज़रूरी था। यानी कि इन लोगों ने उस टाइम ऐसा ठाना था कि जितने भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो निरक्षर हैं उन्हें कम से कम अक्षरों का तो ज्ञान होना चाहिए, और जो अंक हैं यानी कि जो हमारे 1, 2, 3 अंक हैं इनका ज्ञान तो उन्हें होना ही चाहिए। यानी कि हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, पढ़ना या फिर हम कहें अपना नाम लिखना, 1, 2, 3 आना, ABCD, ये जो है वो बेसिक एजुकेशन है, तो ये तो सबको आनी ही चाहिए। तो इसी को लेकर इन्होंने भी अपने अभियान को आगे बढ़ाया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भौगोलिक रूप से, जो मंडला ज़िला है वो जंगल, पहाड़ी और नदी होने के कारण वहाँ पर आवागमन सुलभ नहीं था। यानी कि हम लोग वहाँ बाहर या फिर हम लोग कहें किसी दूसरे ऐसे डेवलप्ड सिटी में नहीं जा सकते थे। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, अपने गाँव में ही ग्राम पंचायत में अक्षर ज्ञानालय की शुरुआत की। यानी कि जब हम कहीं अच्छे डेवलप्ड सिटी में नहीं जा सकते हैं तो इसके लिए इन्होंने अपने गाँव में ही जो वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसके सहयोग से या फिर उसके अंडर ही अक्षर ज्ञानालय की शुरुआत की, और उस ज्ञानालय के अंदर ही इन लोगों ने जो है शिक्षा प्राप्त की। तो वहीं से जो है इस अभियान की हम लोग कह सकते हैं शुरुआत हुई थी। तो इन सब के बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो आज़ादी इन्हें मिली है निरक्षरता से, या फिर मध्य प्रदेश का जो मंडला ज़िला साक्षर बना है वो किस किस तरीके से हुआ है, तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मनरेगा कार्य तथा मवेशियों को चराने के दौरान भी कक्षाओं का आयोजन किया गया। यानी कि इन्होंने एक अक्षर ज्ञानालय तो बनाया ही था, उसमें जब सभी लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए, सभी लोगों को सही टाइम पर शिक्षा कैसे दी जाए, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ वहाँ के कलेक्टर की ही भूमिका नहीं थी, उन लोगों की भी भूमिका थी। उन लोगों के अंदर भी कुछ सीखने का या फिर हम लोग कहें साक्षर बनने का जो जुनून था, उनके अंदर भी जो लगन थी, उसी की वजह से ये संभव हो पाया है। क्योंकि जब ये लोग मनरेगा जो है वो योजना है उसके अंतर्गत कार्य करते थे, तो उस कार्य से जब वो फ्री हो जाते थे, इसके अलावा जब वो मवेशियों को चराते थे उन सब के दौरान भी, यानी कि वहाँ से वो लोग अपना टाइम निकाल कर वहाँ पर क्लासेस अटेंड करने आते थे। इसके अलावा स्कूली बच्चे जो हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के ज़िले के जो भी बच्चे हुआ करते थे उन्होंने भी इसमें कई सारी भूमिका निभाई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उन बच्चों को ये भी करने को कहा गया कि वो अपने घर के बुज़ुर्गों को तो पढ़ाने की जिम्मेदारी कम से कम ले ही। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के योगदान से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो जाता है, जब सब लोग मिलकर उसमें योगदान देते हैं तभी कोई सफलता, कोई उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं मंडला ज़िले के लोगों की, वहाँ के बच्चों की, इसके अलावा वहाँ की जो जिला कलेक्टर हैं जिन्होंने वहाँ के लोगों को इतना प्रोत्साहित किया, तो उन सब की वजह से ही हमें ये उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा मंडला ज़िले के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी बताया, ये जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप लोग इसकी लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो ज़िला है वो पूरी तरह से नर्मदा और इसकी सहायक नदियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा इस ज़िले में हम लोग बात करें कई नदियां और समृद्ध जंगल भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो एरिया है वो हम लोग कहें तो नदियों और वहां पर जंगल, पहाड़, इन सब से घिरा हुआ एरिया देखने को मिलता है। और यहां पर जिस हमने आदिवासी जनजाति की बारे में बात की उसका नाम है बैगा, यानी कि यहाँ पर बैगा जनजाति पाई जाती है, जो मंडला के अलावा बालाघाट, शहडोल और सीधी ज़िलों में भी पाई जाती है। तो इनके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को मनरेगा के बारे में बताया, तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि मनरेगा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है और इसकी शुरुआत कब से की गई थी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। इस वीडियो के अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ आप लोगों को MBBSC का पूरा सिलेबस, MBBSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़,
सी सेट और एनसीईआरटी का सिलेबस, इसके अलावा एमपीएसआई और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल के अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के नाम से। तो इन सब से आप लोग अपने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।